नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार ने एक बार फिर से अमेरिका जैसी ताकत को किस तरीके से पीछे छोड़ दिया है इस बारे में। बिहार ने अब तक अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, जिसके तहत बिहार ने अब तक कई सुपर पावर को पीछे छोड़ने का काम किया है। वहीं अब बिहार ने अपने नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज किया है, जिससे हर बिहारी को गर्व महसूस होगा। इस बार बिहार ने अपने कारनामे से अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति को पीछे छोड़ने का काम किया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार के 7 जिलों ने मक्का के उत्पादन में अमेरिका के उन इलाकों को पीछे छोड़ दिया है, जो अभी तक विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करने के लिए जाने जाते थे। अभी तक अमेरिका के उन इलाकों में सबसे ज्यादा 48 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन होने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन बिहार के 7 जिलों में ही उत्पादन 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गया है, जो अपने आप में बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। जिसके तहत बिहार के जिन इलाकों में यह कीर्तिमान दर्ज किया गया है, वो है पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। यह ऐसे जिले हैं जो मक्का उत्पादन के रूप में देश के मानचित्र पर उभर कर सामने आए हैं। हालांकि इससे पहले 2016 में ही बिहार को मक्के के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक राज्य के रूप में कृषि कर्मण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बेशक यह खबर बिहार के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी इसकी तारीफ की है और बिहार के किसानों की तकदीर बदलने की पहल बताई है। इसके आगे उन्होंने बताया है कि बिहार सरकार ने अपनी तरफ से बड़ी तैयारी कर रखी है। मक्के के उत्पादन से लेकर बाजार तक के लिए बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है। बिहार में 55 लाख मैट्रिक टन उत्पादन मक्के का ही होता है। तमिलनाडु के बाद बिहार देश में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है, लेकिन यह बिहार का दुर्भाग्य है कि मक्का का इतना बड़ा बाजार मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के लगभग 92% मक्का बिहार के बाहर बेचे जाते हैं। वहीं इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसके तहत बिहार में मक्के का प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार में मक्के का कोई इन्वेस्टर नहीं है, यह दूसरा बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार में बाजार का नहीं होना, जिसकी वजह से किसान जो रेट बाजार में मिलता है उसी रेट में बेच देते हैं। इसके साथ ही मक्के का रेट फिलहाल 2200 रुपए प्रति क्विंटल है। यह सब कुछ बातें हैं जिसके कारण बिहार में मक्का किसानों को वो तरजीह नहीं मिल पा रही जो बाहर मक्का बेचने वाले किसानों को मिलती है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मक्के का उत्पादन किया जा रहा है, उसके बाद ही उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार सरकार भी मक्का किसानों के लिए आने वाले समय में कुछ बड़ा करने वाली है। बहुत जल्द बिहार के किसानों के लिए कई बड़े फैसले लेने की तैयारी हो रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि केंद्र सरकार से आग्रह कर मक्के का भी MSP रेट तय कराया जाए, ताकि किसानों को MSP रेट पर मक्का बेचने की सुविधा मिल सके और बाजार में भी भाव बढ़ सके, ताकि किसान अच्छे रेट पर अपने मक्के को बेच सके। इसके साथ ही मक्का किसानों के लिए बिहार में भी FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जो कंपनी एक्ट के अनुसार होगा और सरकार उसमें आर्थिक मदद भी अपनी तरफ से देगी। मक्के के किसान भी बेहद उत्साहित है। सरकार की तरफ से की गई पहल को देखें तो बिहार में किसानों को निर्यातक बनाने की तैयारी हो रही है, ताकि बिहार के किसान अच्छे दाम पर मक्के को बेच सके। यही कारण है कि बिहार में बड़े पैमाने पर मक्के का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी हो रही है, ताकि मक्के के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बिहार में बनाया जाए और फिर उसको देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी बेचा जा सके। इतना ही नहीं, मक्के का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में भी किया जा सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, इसके लिए फैक्ट्री भी लगाई जा रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि गन्ने के अलावा मक्के की मदद से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा सके, जिसके बाद अगर बिहार में मक्के की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हो जाती है तो सरकार इथेनॉल उत्पादन में एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।